सकते हो। इट्स लाइक यू नो द वे। अच्छा, यू आर वेरी रिजिड इन योर अप्रोच। इसका पॉजिटिव एनालिसिस क्या होगा? ऑल ऑफ यू, व्हाट वुड द पॉजिटिव एनालिसिस ऑफ यू आर रिजिड इन योर अप्रोच, इसका पॉजिटिव एनालिसिस क्या होगा? ऑल ऑफ एनीवन, इंडिपेंडेंट पीपल, यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द थिंग, यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर थिंग, यू आर वेरी यू रिजिड इन हैव योर योर ओन अप्रोच, आइडियाज, यू लाइक टू डू द वर्क द वे यू वांट, यू हैव योर सर ओन आई वुड इसका आइडियाज, इसका यू पॉजिटिव हैव आई वुड से सर आई वुड से दैट यू आर वेरी क्लियर व्हेन यू डिसाइड समथिंग यू डू इट यू नो वेरी डिटरमिंड वे में यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट, आई वुड से कि यू आर यू हैव योर ओन आइडियाज। ओके होल्ड ऑन होल्ड ऑन, ग्रेट ऑल ऑफ यू, ग्रेट नो इश्यूज। हाउ कैन बी मोर पॉजिटिविटी? ओके अभी ये है, यहाँ पे दिख रहा है अ पर्सन इज रिजिड अबाउट द आइडियाज। इसको बोलेंगे, इनको बोलेंगे कि यू आर वेरी स्ट्रांग विथ योर वैल्यूज एंड यू नेवर सेक्रीफाइस योर वैल्यूज फॉर अदर पीपल। एम आई राइट और रॉन्ग? शुक्र जी, यस राइट सर, अदर वर्ड हम बोल रहे हैं रिजिड, पर राइट रिजिड को राइट, रिजिड बोलेंगे तो इश्यू है। और हमने ऐसा बोले कि आपके वैल्यूज के प्रति आपको बहुत प्यार है, आप बहुत स्ट्रांग हो, यू नेवर सेक्रीफाइस योर वैल्यूज, योर थिंकिंग, योर थॉट, एवरीथिंग, इट्स अ अनदर डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ यू बीइंग वेरी रिजिड। बात वही है, बोलने का ढंग पॉजिटिव नेगेटिव आपके टोन पे डिपेंड करता है। अगर आपका क्लाइंट के साथ रैपो बहुत स्ट्रांग है तो यू कैन टॉक इन नेगेटिव टोन एज वेल, पर अगर आपके क्लाइंट के साथ का आपका रैपो उतना स्ट्रांग नहीं है तो डोंट एवर ट्राई टू गो इन दैट वे, अनलेस यू वांट टू बैफल हिम, अनलेस यू वांट टू रियली पिस हिम ऑफ। ओके, अगर आपको उसको चिढ़ा के काम लेना है तो देन गो फॉर इट, प्यार से डू अ पॉजिटिव एनालिसिस। हाँ, अभी मैं ना एक ऐसे इंसान को मिलके आया जिन्होंने 25 ईयर्स का R&D किया है फूड इंडस्ट्री में, एंड ही दिस गाय हैज अमेजिंग नॉलेज, अमेजिंग नॉलेज ना। सो आई वाज जस्ट टॉकिंग विथ हिम एंड आई सॉ हिज सिग्नेचर, हिज सिग्नेचर वाज हैविंग अ रिजिड अप्रोच, वेरी वेरी रिजिड अप्रोच। तो वो इंसान के सामने ना एक 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए एक इंसान आ रहा था आज, मतलब इट वाज सपोज टू बी मीटिंग बिटवीन ऑल अमंग ऑल ऑफ अस। ओके, सो 200 करोड़ का इंसान उसको मिलने आ रहा है, और इंसान ने उसको फोन किया, बोला कि मुझको उसका क्या गली गली में जाके उसका ये था, मतलब वंस अपॉन अ टाइम उसने जब पहली बार वहाँ पे प्रयोगशाला अपना लेबोरेटरी डाला था उस समय पे वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अभी क्या हो गया, बहुत सारे छोटे 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 घर हो गए, तो गली गली से जाके आता था, और जो 200 करोड़ वाला इंसान था वो BMW लेके जा रहा था, उसको वो जगह नहीं मिल रही थी उसकी। तो ही कॉल्ड हिम दैट आई एम हियर, कैन यू कम एंड मीट मी बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फाइंड योर लैब। ये आदमी ने क्या बोला रहेगा, क्या लगता है आपको? मैं नहीं आऊंगा, इन्होंने बोला कि देखो पहले तो आप बिना अपॉइंटमेंट के आ रहे हो और वापस से आप मुझको वहां बुला रहे हो, मैं नहीं आऊंगा। यू वांट टू कम, चल के आ जाओ, इफ यू वांट टू मीट कम हियर, एल्स आई हैव माय ओन वर्क। रिजिड अप्रोच, R&D वाइज अनबिलीवेबल रिजल्ट्स, ही नेवर सैक्रिफाइज अ सिंगल थिंग, ही वाज ऑलवेज अधेरिंग टू हिज आइडियाज, अनबिलीवेबल रिजल्ट। मैंने उनको पूछा कि वी आर टॉकिंग अबाउट, अभी उनकी ना डेट ऑफ बर्थ में 30 है 30, तो उनका गुरु बहुत स्ट्रांग है, तो आई वॉज एंड ही वॉज टॉकिंग अलॉट अबाउट हल्दी, हल्दी के ऊपर ये, हल्दी के ऊपर वो, हल्दी के ऊपर वो। तो मैंने कैजुअल पूछा कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में बाय एनी चांस 3 है? तो उन्होंने बोला हाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ 30 से चालू होता है। अब ये इंसान को मैंने दूसरा क्वेश्चन डाला, आई आस्क्ड दिस पर्सन अबाउट दी हाउ कैन कैन यू यू नो डाइजेस्ट टर्मरिक। How many of you know it's difficult to digest turmeric? हल्दी को आपने डायरेक्ट खाया तो आपके बॉडी में वो पचता नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये कि आप में से कितने लोगों को पता है? Heat, हल्दी is very heat. See, 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 I am not asking your knowledge, okay? I am asking a simple question. Don't show off. Asking question is, how many of you know, is it difficult, it's difficult to digest or absorb the turmeric in your body? Do you guys know about it? इसीलिए देखो आपके जब कपड़ों पे हल्दी के दाग लगते हैं तो उसको साफ करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज हल्दी जो है वो बहुत ही इनसॉल्वेबल है, वो मिक्स नहीं होता, कि डाइजेस्ट नहीं होता। और बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज डूइंग लॉट ऑफ R&D ऑन दिस, आई हैपन टू आस्क हिम, उन्होंने क्या एक अलग तरह का केमिकल ढूंढ के निकालता मेरे दोस्तों ने जो
हल्दी को भी डिजोल्व करता था. ओके तो मैंने उनको पूछा कि अगर मुझको हल्दी कंज्यूम करना है तो क्या मैं पानी में डाल के उसको पीऊंगा तो मेरे बॉडी में अब्जॉर्व होगा. कैन यू बिलीव व्हाट ही टोल्ड मी? अनबिलीवेबल आंसर. व्हाट ही डिड, इफ यू वांट योर बॉडी टू अब्जॉर्व टर्मरिक, अगर आप चाहते हो कि आपके बॉडी में टर्मरिक जो है उसका अब्जॉर्प्शन बढ़े तो यू नीड टू मिक्स दैट टर्मरिक विद द फैट्स. दूध में डाल के पियो या फिर सब्जी में तेल में डाल दो बस, देन योर बॉडी विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग दैट हल्दी. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दैट इज व्हाट आवर ट्रेडिशन, दैट इज द आरएन, यू नो दैट. अब लोग हम बैक, मतलब वो प्रथाएं जो है अपनी, उसमें सब चीजें एनालिसिस करके समझ के उन्होंने सब सेट कर दिया. एंड वी आर नॉट यूजिंग दैट साइंस एट ऑल. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये इससे भी मतलब अनबिलीवेबल लेवल का आरएनडी. आप उनसे कुछ भी पूछो, कुछ भी पूछो. He told me about the tea which has a pricing of 2 lakh rupees per kg. So come again, sir. Yes. 2 lakh rupees per kg tea. Tea powder aega. Chai ki patti. 2 lakh rupees per kg ka. Ayyo. Kya special hai, sir? Ye kya hai, sir? बहुत. अरे एक एक तो व्हाइट टी है, व्हाइट टी, यू नो व्हाइट टी दिखने में व्हाइट दिखता है, सब कुछ वही है, दिखने में व्हाइट दिखता है, वो है इस रेंज में. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अनबिलीवेबल नॉलेज का भंडार है. वो बोलता है, उन्होंने बोला हमको कि आप आए, मतलब मैं, जस्ट म्यूट एवरीवन प्लीज. तो जहां पे मैं गया था एक ऐसे इंसान के साथ गया था जिनका टर्बो. कम ऑन गाइस, यू आर अब्यूजिंग द पावर, आई एम अलाउइंग यू टू speak and you guys are okay, thank you. So now jinke sath main gaya tha unka turnover bahut bada hai aur unke sath milke kuch joint venture kar rahe hain, to unhone bola ki normally I don't entertain a single person, main kisi se bhi bina appointment ke baat nahi karta hu, aur jab kisi se bhi main baat karne baithta hu to 15,000 rupees is what I charge for an hour. Ek ghante ka baat karne ka I take 15,000 in advance. So और वेरी बिजी, वेरी पैशनेट. अब ये इंसान का सिग्नेचर है ना, ऐसा रहता है, रिजिड, वेरी रिजिड, डैम रिजिड, अनबिलीवेबल लेवल पर रिजिड. खुद की वैल्यूज, खुद के प्रिंसिपल्स, नेवर सैक्रिफाइसिंग एनीथिंग फॉर एनीबॉडी. सो दैट इज व्हाट. अब ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है ये सिग्नेचर, ये ऑल डिपेंड करता है इंसान उस चीज को कैसे यूज कर रहा है उसके ऊपर. इट इज नेवर अबाउट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड. How do you interpret it and how do you use it? ये काम में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बस. अंजना जी, rigid means two dot. How illogical it sounds. How illogical it sounds. Who will explain why the person is rigid? Anyone, you know. Gaurav, can you please explain? You see, Aruna ने बोल भी दिया. जो कोई भी इंसान खुद का नाम लिखेगा पूरा सिग्नेचर में, सुधीर में सुधीर में लिख दूंगा, तो इसका मतलब मैं, मेरे अप्रोच में रिजिड होने वाला हूं. मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करूंगा. आई विल नेवर बो डाउन टू योर टर्म्स एंड कंडीशंस. सुकन जी, बराबर बोल रहा हूं मैं? एम राइट और रॉन्ग? आर यू देयर सुकन जी, बाय एनी चांस? सर, ये बीच बीच में नेट एक्चुअली शायद स्लो डाउन हो रहा है, आई कांट हियर प्रॉपर्ली, प्लीज एक बार फिर रिपीट करेंगे. मैं बोला कि आप जो है कभी भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करना पसंद करोगे. Am I right or wrong? Right, sir. सामने चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति रहे, बिल्कुल सही. हाँ, इनके रूल्स डिफाइंड है, बस तुमको काम करना है ना, तो दीज आर द रूल्स. यू कम इन दिस वे, आई विल डू, एल्स आई एम नॉट गोइंग टू, जस्ट बिकॉज यू आर बिग और बिग शॉट एंड दिस एंड दैट, नो नो, दिस विल नॉट वर्क मी, दिस इज द वे आई वर्क. Am I right or wrong? Absolutely, sir. अब देखो एनालिसिस, एनालिसिस वही है जो आप लोगों ने किया. आप इसको कितना पॉजिटिव बना के बोल सकते हो उस पर डिपेंड करता है क्लाइंट को कितना मजा आएगा आपके साथ. अभी अपने एक स्टूडेंट है मेगन, मेगन जी ने ये मीटिंग अटेंड किया था जो थर्सडे को हुआ था, और उन्हें मुझको मैसेज डाला कि सर एवरीबडी वॉज डूइंग द नेगेटिव एनालिसिस. इट्स ओके, यू नो, इट्स ओके, यू कैन डू इट, बट व्हाट इज द यूज? If you can't find the positivity in what you are looking at, you are not going to contribute positively in this world. जब आप कमल को देखते हो तो आपको क्या दिखना चाहिए? Yes, anyone? कमल को देखते हो, कमल, कमल,
कमल मतलब लोटस, ऑल दोस पीपल हु वेंट टू कॉन्वेंट एंड ऑल, कला ब्यूटी करेक्ट. व्हाट इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द स्लज व्हिच इज बिहाइंड बेनेथ द लोटस, अगर मैं गंदगी के बारे में बात करना चालू करूं तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा कि देखो कितना गंदा पानी नीचे है, कितना कीचड़ है, कितना बास आता है, अच्छा लगेगा? अरे अच्छा लगेगा क्या? नेगेटिव, इट वुड साउंड नेगेटिव. तो फिर आप लोग हैंडराइटिंग को देख के क्यों ऐसा नेगेटिव बात करते हो? यू ट्राई टू फाइंड सम ब्यूटी इन इट, यू ट्राई टू एक्सप्लोर एक्सट्रापोलेट व्हाई दिस पर्सन विल बी सक्सेसफुल. व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सिग्नेचर, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस हैंडराइटिंग, क्या अच्छा कर सकता है ये इंसान इसको लेके, ये अप्रोच एनालिसिस क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? Why you have to always say ki code cases hai? Can't you say you have different set of friends? Kaun tha uski do signature mein do language the bilingual? Who was that person? Mere friend ka hai sir wo. So you say you tend to have you tend to hang out with different kind of people, you know, totally drastically different people, and that person will say yes. You have two ways of looking at things. You try to merge two different religions or you know philosophies, you enjoy those. इसको ये इंसान को fusion अच्छा लगता है, hybrid अच्छा लगता है, चीजें. Sufi or I don't know, I am not the guy on music, but you have this kind of music, no, which are hybrid music. Yes or no? Hybrid रहता है ना कुछ, दो fusion करते हैं वो. तो तुम्हारे गौरव, तुम्हारे दोस्त को पूछो, क्या उसको इस तरह के music पसंद है? हाँ सर है. देखो ये वही बोल रहा है. Don't you find this analysis amazing? जो अभी मैंने किया. खाने में भी fusion करता है सर वो. खाने में भी fusion करता है. खाने में भी उसको fusion अच्छा लगेगा पता है? ऐसी मतलब दो दो religion का bridge करना, दो thinking मतलब South Indian और North Indian को mix करना खाने में, you know, समोसा सांभर के साथ खाना. Yeah, इडली का पराठा खाना. There are people, right? या फिर अगर मैं बोलूं आपको तो देर आर सम फ्यूजन वाले डिशेज भी रहते हैं ना जो अमेरिकन और आई डोंट नो आई एम नॉट अ फूडी एज वेल दिस इज सो रॉन्ग आई नीड टू बी अवेयर अवेयर अबाउट फूड एंड म्यूजिक एज वेल दिस टू एरियाज आई एम नॉट वेरी गुड एट आई नीड टू लर्न बट रहता है ना कुछ तो भी फ्यूजन. And sir, आपने एक बार वो भी बताया था ये मतलब one of my cousin, so he is born out of intercaste marriage, तो उसके sign में भी ऐसा है. Yeah, of course, that is the, see, that is the apparent है, वो direct है, जो हमने आपको सिखाया है. इसमें कोई there is no second thought about it. Yeah. What I want to you all to think about what else positive can we add to his life. और क्या करता रहेगा positive वैसे, negative तो करो ही, negative में तो सब लोग expert है. आप हो, मीडिया है, टीवी है, आपकी बाजू वाली चाची है, आपकी दादी है, एवरीथिंग, एवरीबॉडी इज गोइंग टू टॉक नेगेटिव. आई डोंट वांट यू आल्सो बी इन द सिमिलर कैटेगरी. नेगेटिव करना है जब काम लेना है, बट मेक श्योर दैट यू हैव दिस हैबिट ऑफ फाइंडिंग गुड थिंग्स. ओके यस. और क्या क्वेश्चन थे आपके? बोलो जो जो अभी क्वेश्चन निकले, वी विल सॉल्व ऑल ऑफ इट. जस्ट आस्क मी कि क्या क्या ट्रबल हो गया, क्या क्या एनालिसिस नहीं जमा, क्या आपको एनालिसिस गलत लगा. सर रिजिड आपने जो बताया, मतलब सेल्फ नेम के साथ अगर सरनेम है तो रिजिड या मतलब ओनली सेल्फ नेम इज रिटन. मेगन जी आपका मेरे हिसाब से सेकंड ही है या पहला ही है? फर्स्ट है लेक्चर, फर्स्ट है. तो आपको ना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा. ये सिलेबस के एंड में आपको ये समझेगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग, बट जस्ट बिकॉज आपने पूछा इसलिए बताता हूँ. जिस इस किसी इंसान ने अपना पूरा नाम लिखा, मैंने सुधीर कोई भी लिखा तो भी मैं रिजिड हूं. जिस किसी ने अपने नाम की जगह छोटा नाम लिख दिया, एस लिख दिया, सुखवंत ने सिर्फ एस लिखा, मतलब वो सैक्रिफाइसिंग हो गया, वो एडजस्टेबल एडाप्टेबल नेचर में चला गया. अंडरस्टूड? सुखवंत लिखेंगे तो मुझको इतना जगह लगेगा, एस लिखूंगा तो मुझको इतना जगह लगेगा. अगर मैं ऐसा बैठ गया तो मैं बोलूँ मतलब मेरे को तो देखो मेरे को एक चेयर का जगह लगता है ना. अगर मैं हाथ पर ऐसे खोल के बैठ गया तो मैं आई एम नेसेसरली ऑक्यूपाइंग द स्पेस, राइट? दिस मेक्स मी रिजिड. ये चीजें मेरे को रिजिड बनाएगी. सर मैंने एक यस यस सर आई हैव पुट टू सिग्नेचर्स, कैन यू राइट नाउ आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई द डाउट्स व्हिच यू हैड
while doing the analysis. I don't want to take okay, something. Sir. Okay, sir. तो क्या क्या आपको दिक्कतें आई, तकलीफें आई, कहाँ पे आपको लगा कि सामने वाला गलत बोल रहा है ना? जैसे मैंने सर, ये, वो सर, दो साइन सर, एक वो बाइलिंगुअल साइन है सर, वो देखिए ना एक बार सर, इसमें लूप वाला के क्यों नहीं होता सर इसमें? ये देखिए, ये हाँ, ये बहुत अच्छा था, अरुणा जी ने रॉन्ग एनालिसिस किया था एंड आई हैपन टू लिसन टू दैट. यहाँ पे ये जो के है, ये के रेफरेंस वाला के नहीं है, ये के मेनियक के में जाता है. कौन से के में जाता है? मेनियक. तो हम लोग इनको पूछेंगे सुकन जी की. सुकन जी, आर यू देयर? यस सर, आई एम हियर. क्या आपका खुद का एक ग्रुप है जहाँ पे सिर्फ लेडीज है और काफी अच्छे लेवल पे जोक्स शेयर होते हैं, या फिर जस्ट आस्किंग, डू यू हैव एनी, डू यू हैव? सर kind of it was like friends group, but abhi to nahi hai. I mean, it's not like it was a for some time only, for 3-4 months like. Okay, wo tha to isliye yahan pe kahi kahi pe wo K ka formation jo hai wo mania K mein jata hai. Okay. क्या आपने ये सुकुन जी, आपका सिग्नेचर बचपन से मतलब 14-15-16 साल से? Yes sir, yes sir. तो क्या आपने अपने कॉलेज के दिनों में लड़कों की छेड़ की, जैसे अपना फैमिली है इसलिए I'm just asking, क्या लड़कों को छेड़ते थे आप, टॉन्ट करते थे किसी को? नहीं सर. क्या आपके ग्रुप वाले बाकी लोग, listen, आपके ग्रुप में बाकी जो लड़कियां थी वो टॉन्ट करती थी? Absolutely yes sir, my friends were there. तो ये जो के रहता है, इनके ग्रुप्स रहते हैं ऐसे लड़कियों के, मतलब लड़की है तो लड़कियों के ग्रुप, हॉस्टल, नॉट हॉस्टल अरुणा जी, नाउ कॉलेज, वी कैन से इन कॉलेज, लेट मी एक्सप्लेन. ओके, तो इनका जो है ना, इनका एक ग्रुप रहता है, अगर के की बात करो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर, अंडरस्टैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट के. तो ये जो लोग है के वाले, इनका अकेला एक ग्रुप रहता है सेम सेक्स का, जो कि अपोजिट सेक्स के लोगों को या अपोजिट जेंडर के लोगों को ऐसे ही सताते हैं, टॉन्ट करेंगे, खिंचाई करेंगे, यू नो, कमेंट करेंगे, यस और नो सुकुन जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही. तो ये के की ट्रेट्स है. अरुणा जी, गॉट इट? यस सर. आर का फॉर्मेशन नहीं है, जिसमें आर का फॉर्मेशन नहीं है वो रेफरेंस वाला के नहीं होता है. अंडरस्टूड? ओके सर. समझा कि नहीं समझा? कि बना के दिखाऊं मैं? लूप वाला के इज रेफरेंस के, राइट? नहीं, नॉट द लूप वाला के, नॉट द लूप वाला के, द के इज अबाउट द आर, जो के आर की तरह दिखेगा. किसकी तरह दिखेगा? आर की तरह. मतलब कैसा, मैं दिखाता हूं ना, यू गाइस विल गो क्रेजी. एक मिनट, ये अच्छा हुआ, लेकिन ये डाउट्स आना, ये कंफ्यूजन होना, ये निशानी है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ तो याद है, गलत क्यों ना हो. लेट मी शो यू किस तरह का आर वो कहलाएगा, देखो. सुदीप जी, एक ही मिनट, इनका डाउट क्लियर करते पहले, वन एट अ टाइम. अब देखिए, मैं आपको शेयर करता हूं स्क्रीन. देखिए, ध्यान से देखिए मैं किस तरह का आर बना रहा हूं. इट्स नॉट अबाउट द लूप. ऑलवेज रिमेंबर, जब मैं रेफरेंस की बात करता हूं तो वर्टिकल लाइन, ये प्रेजेंट की बात होती है. वर्टिकल लाइन्स आर ऑलवेज अबाउट द प्रेजेंट, एंड ये प्रेजेंट को आप किस तरह से कर रहे हो. ये वर्टिकल लाइन है, ये प्रेजेंट की बात होगी. और यहाँ पे ये जो बनेगा के है ना, अगर मैं लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं इस तरह की बात, अगर मैंने निकाला, ये देखो इस तरह का के निकाला, इस तरह का के, या फिर क्या होगा, क्या बन सकेगा? ये के में हो जाएगा रेफरेंस वाला के जो है, इसमें चला जाएगा. जैसे अभी अगर ऐसा के मैंने लिख दिया तो ये रेफरेंस वाला, मतलब जहां पे भी आर का फॉर्मेशन आएगा के बनाते समय. ओके, सो दैट इज रेफरेंस के, राइट? दैट इज व्हाई, बिकॉज़ सी, अंडरस्टैंड द लॉजिक, अंडरस्टैंड द वे यू आर सपोज टू थिंक. यहां पे आर इज फॉर रेफरेंस? नो अरुणा जी, अगेन मिस्टेकन. ये प्रेजेंट है, वर्टिकल लाइन है प्रेजेंट,
और यहाँ पे जो ये टच हो रहा है ना, दिख रहा है आपको ये टच? यस सर। ये टच क्या करता है, वो लाइन का रेफरेंस लेता है वहां से। रेफरेंस का लेना मतलब क्या, यू हैव सम पॉइंट फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट। ओके, सो दिस पर्सन टेक द रेफरेंस फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द स्टेम, एंड तब वो लिखता है। तो ये रेफरेंस लेने की वजह से ये कौन सा आर बन जाता है, के बन जाता है ये? रेफरेंस के। आर इज नॉट फॉर रेफरेंस। ओके ओके, द लाइन, वर्टिकल लाइन इज फॉर रेफरेंस। अंडरस्टूड? गॉट इट सर। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। जिन जिन्होंने पढ़ा है, देखो अभी हम सिग्नेचर में पहुंचे हैं। आपको जितने भी ऑनलाइन के वीडियोस है, क्लासेस भी करने हैं, और जो भी पिछले वर्कशॉप्स हुए उसको भी देखना है, क्योंकि ऐसे ही डाउट्स का क्लैरिफिकेशन हम हर एक अपने सपोर्टिंग वर्कशॉप में करते रहते हैं। ओके, गुड गुड सर। आई हैव अ डाउट सर, एक सिग्नेचर थी ना, डबल लाइन थी, तो वो कैप थी। नो नो, गुड। ओके, ये सबका हो गया क्लियर? एवरीवन गॉट इट? यस सर। सर लता, लता सर, यस सर, इसी सिग्नेचर में एक डबल डॉट्स थे जो आपने बताया, अंडरस्कोर के सामने, मतलब जो जैसे पढ़ा है कि डॉट्स अगर एक डॉट है तो देन वी इज वेरी पर्टिकुलर, अगर स्ट्रेट लाइन के सामने डॉट है आफ्टर सिग्नेचर, करेक्ट? तो इसमें दो डॉट है, तो आई मीन टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट, दो डॉट का मतलब टाइम वेस्टेज, एक डॉट पर्टिकुलर। बट इफ दैट, ओके, इफ दैट डॉट्स आर बिलो, देन ही वांट्स अ कंपनी of strangers, company of strangers, of strangers, strangers or close relatives or friends, no strangers, wherever that dot is, हाँ नहीं, इनके dot अगर directly नीचे लाओगे तो strangers, okay okay, बाकी तो आपको सिखाया मैंने, है ना, बाकी आप है ना demo workshop में आपने सिखाया। sir three dots time wasted ना, दो dots to be continued ना, ऐसा है जानवी जी, अगर वो डॉट नीचे की तरफ है, वहां पे तीन डॉट मतलब टाइम वेस्टेज, जहां पे भी अभी ये लाइन के आगे का डॉट है, यहाँ पे दो डॉट मतलब टाइम वेस्टेज, समझिए आपको? ओके सर, समझा नहीं तो पूछिए। दो डॉट लाइन के आगे मतलब टाइम वेस्टेज, और तीन डॉट लाइन के नीचे मतलब सिग्नेचर के नीचे मतलब टाइम वेस्टेज। थॉट प्रोसेस को समझो ना, एक की जगह दो डॉट दे दिया टाइम वेस्टेज है, दो की जगह तीन आ गया टाइम वेस्टेज है। Understood? Sir, Lata sir, can I speak sir? हाँ, ये सुकुन जी का signature के सब doubts clear हो गए, all of them? सुकुन जी का, I have told her that you will stick to your decisions which you take and will not give prominence to your decisions only. Would that be a right way of saying that? देखो, अभी client ने आपका हाँ बोला तो ठीक है, analysis तो correct है। She didn't agree with me. हाँ, क्योंकि आपका tone शायद गलत होगा। आपको मॉडिफाई करना है आपका वॉइस, यू नो, आपको एम्पति सिंपति लगाना पड़ेगा, यू नो, आपको बोलना पड़ेगा, सुखन जी आप अपनी डिसीजंस को लेके काफी, मतलब क्या बोला आपने, वर्ड क्या यूज किया था? आई सेड यू स्टिक टू योर डिसीजंस एज अ फाइनल वन, यू वोंट चेंज योर डिसीजंस। फाइनल वन, ये वर्ड गलत है, फाइनल नहीं होता कभी, पीपल डू कंसीडर, पीपल आर इंटेलिजेंट, बट व्हाट यू कैन से, यू सुखन जी आप अपने डिसीजन को लेके काफी ज्यादा फर्म होते हो, यू आर वेरी यू नो सिंगल माइंडेड अबाउट योर डिसीजन। अब इनको बोलो यस और नो, सुखन जी स्ट्रॉन्ग अबाउट योर डिसीजन? यस वी कैन से, वही है, बस मैंने उनको यही बोला कि रिजिड नहीं होती हूं, आई टेक एनालिसिस मींस व्हाट, आपके मुंह से जो शब्द आ रहे हैं वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहां से आ रहे हैं, कंप्यूटर से आ रहे हैं, कोई रोबो बोल रहा है, नो, you have to say with lot of emotions, empathy, sympathy, compassion. Okay sir, thank यार, you, आपके आवाज में उतार चढ़ाव होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज में उतार चढ़ाव होना चाहिए, you need to make it interesting, okay, then only people will love your analysis, you need to emphasize, give the pressure on certain words,
यू नीड टू टेक अवे द पावर अपॉन सर्टेन वर्ड्स. जब दुख की बात आएगी, तकलीफ की बात आएगी, तो योर वॉइस शुड लोअर डाउन. जब कोई बड़ा चीज उनके बोला, तो योर वॉइस शुड गो अप. यू एड टू नीड टू एड ऑल द मसालाज एंड तड़कास व्हाइल डूइंग द एनालिसिस. शब्द वही है, एनालिसिस वही है, उसका भाव बदल जाता है जब आप शब्दों को अलग तरीके से बोलते होते. और आदमी क्या पकड़ता है, आदमी क्या पकड़ता है, सामने वाला शब्द नहीं पकड़ता है, इमोशन भाव पकड़ता है. फीलिंग, फीलिंग भाव, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. ऑलवेज रिमेंबर दिस, नेवर से इट वेरी ब्लंटली, से विथ लॉट ऑफ कॉशन, कंपैशन, एम्पैथी, सिंपैथी, अवेयरनेस कि सामने वाले बंदे का मेंटल स्टेट क्या है, आपका उसका रेपो कैसे हो चुका है. You will not believe, मैं आज भी आपके साथ जब बात करता हूँ, आप सब लोगों के साथ, तो I check the rapport with initial few questions. I check the supportiveness of that client. And then I do it, the risk analysis. You know? मैं देखो, मैं वो संभल संभल के बात करता हूँ शुरुआत में, just to check कि आपका state of mind क्या है मेरे analysis को लेके, मेरी authority को लेके, graphology के लिए समर्पण को लेके. और जब मुझको दिखता है कि आप काफी ज्यादा समर्पित हो, तब मैं रिस्क एनालिसिस आपके साथ करता हूं, जिसको शायद आप नॉर्मली ना बोलोगे. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? लता जी, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर, यस आई अंडरस्टूड. टेल इट विद फीलिंग. प्रेजेंटेशन शुड बी डिफरेंट. या इट्स नॉट अबाउट जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स, इट्स अबाउट सी प्रेजेंटिंग. यस, डिश वही है, लेकिन जितना आप सुंदर सजाओगे, उतना सामने वाले का खाने का मन करेगा. आपने एक रफ रफ जगह पे बिना उसको डेकोरेट किए खाने को दे दिया ना, वो आपको रेट अच्छा नहीं देगा. इट हैज टू बी प्रेजेंटेड ब्यूटीफुली. कई सारी रेस्टोरेंट में आपको पता नहीं है, लोग सिर्फ इसलिए जाते क्योंकि उसका एम्बियंस अच्छा है. फूड ओके ओके है, एम्बियंस इज अमेजिंग, सर्विस इज अमेजिंग. एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर. क्या मेघन जी, बराबर ना? तो आपका हो सकता है एनालिसिस का क्वालिटी खराब है, लेकिन आप बहुत बड़े मस्त अंदाज में बोल रहे हो, सामने वाले को इन्वॉल्व कर रहे हो सकता है एनालिसिस गलत है, फिर भी वो आपके साथ जुड़ जाएगा, बिकॉज यू आर कंपैशनेट, यू आर पैशनेट, यू आर एंथुजियास्टिक, यू नो. सो डू दैट, डू दैट, यू नो, पीपल लाइक यू बीइंग एनर्जेटिक ऑल द टाइम, सो शो एनर्जी. थैंक यू सर. ओके, यस. और क्या कंफ्यूजन था? I hope it sir, was... इसमें... yeah. Yeah, सर, जो आपने बातें कही वो मैंने एनालिसिस ये इस सिग्नेचर में सामने बंदे को बताया कि पहले पॉजिटिव पॉजिटिव बातें, फिर बाद में ऐसे नेगेटिव, तो थोड़ा सामने वाले को अच्छा लगता है. ये किसका सिग्नेचर बात है? Whose signature is this? सर, फैमिली फ्रेंड है हमारे. अच्छा, आपके ऑलरेडी है ये, इसका तो ठीक है. हाँ नहीं सर, इसमें ही डाउट है ना, और थोड़ी डिफरेंट है ना, उल्टा लिखा हुआ है सिग्नेचर. उल्टा क्या लिखा? प्रदीप है, तो बी डी इज लाइक बी और डबल ई उल्टा. आप क्या आपने उनसे पूछा? क्या आपने उनसे